अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले की चाट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इट्स रियली यूनिक रेसिपी। नॉर्मली दही पापड़ी चाट तो आपने खाई होगी, बट ये नहीं खाई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हमने सफ़ेद छोले लेने हैं, जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। छोले दो तरह के होते हैं, एक छोटे वाले होते हैं, एक बड़े वाले होते हैं। हमने लेने हैं बड़े वाले, आधा किलो, ठीक है। उसे ओवरनाइट हमने सोक कर लेना है जी। अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे और इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अच्छा, बॉईल करते वक्त दैट्स अ मिस्टेक ऑफ चना चाट, क्या आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा ऐड नहीं करना, जस्ट नमक एक खाने का चम्मच, और इसे हमने मिक्स करके इस तरीके से बॉईल करने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में बिल्कुल परफेक्टली बॉईल हो जाते हैं, ये देखिए बिल्कुल तकरीबन कोई 35 मिनट में ही परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। इसका टेक्स्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं, इस तरह का टेक्सचर है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट हमने एक पैन में ऑयल लेना है तकरीबन हाफ कप। इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है दरमियाने साइज़ की, जिसे मैंने स्लाइस कट कर लिया है, और इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है। इस चाट की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। साथ ही ऐड कर देंगे सफ़ेद जीरा एक खाने का चम्मच, और इसके साथ ऐड करेंगे कड़ी पत्ता फ्रेश। 5 से 6 टहनी हमें लेनी है, जिसके लीव्स हम जस्ट यूज़ करेंगे इस तरीके से, और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। छोले की आँच हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ स्पाइसेस ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हमने हल्दी भी ऐड करनी है। हल्दी मैंने लास्ट में ऐड की थी, जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई थी। आपने इसके साथ हल्दी ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, और इसे हमने हल्के हैंड से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। चूल्हे की आंच नॉर्मल होनी चाहिए ताकि मसाला जले नहीं। साथ ही ऐड कर देंगे इमली का पल्प 1/2 कप। और इसके साथ इसमें ऐड करेंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप लोग सोचोगे तीखे में मीठा, मतलब खट्टे में और तीखे में मीठा, यही तो ट्विस्ट है इसमें, खट्टा तीखा मीठा। बहुत ज़बरदस्त चाट बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा ट्राई करना बनता है। तो इसे हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही ऐड कर देंगे जो हमने छोले बॉयल किए थे वो, और साथ ही ऐड कर देंगे आलू 3 अदद, मैंने दरमियाने साइज़ के लिए थे, जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, और इसे हम कर लेंगे मिक्स। और अब इसे हम कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। ठीक 10 मिनट बाद हमने इसे चेक करना है। ये देखिए ऑलमोस्ट डन है, हल्की सी ग्रेवी का टच इसमें होता है, लेकिन जब थोड़े थोड़े जैसे ठंडे हो जाते हैं तो ये परफेक्ट हो जाते हैं, और ये गरम गरम बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब इसे हम डिश में निकाल लेंगे। गरम गरम मज़ेदार सी छोले की चाट इज़ रेडी। रमज़ान स्पेशल, इट्स रियली यूनिक रेसिपी, जिसमें खट्टा तीखा मीठा आपको तीनों फ्लेवर्स मिलेंगे, लाइक एडवेंचर। एंड आई होप सो कि रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाही।